Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं बहुत ज्यादा शाय बंदा हूँ. मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल होता हूँ इंटीमेट सीन्स करने के लिए. मैंने शिपाली को बात किया, मैंने कहा मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसे कर पाऊंगा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. और बट शिपाली ने ये बोला कि देखो आप एक्टर हो, एक एक्टर को किसी भी तरह के रोल मिले अगर वो कहानी की डिमांड है तो आपको जरूर करना चाहिए. तो उनके बोलने पे तो मोटिवेट किया मैं फुल चार्ज. जब मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ और जब सेट पे पहुंचा और सेट पे पहुंचने के बाद जब वो सीन शुरू हो रहे थे तो मैं ऐसे काँप रहा था. तो बहुत ही ज्यादा अनकम्फर्टेबल था. और डायरेक्टर और हमारी जो को एक्टर है उनको बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था. मैं डेफिनेटली बिग बॉस करना चाहूंगा. तो बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को करना चाहिए. वो आपकी लाइफ आपको सिखा के दीजिएगा. सो वेलकम टू इंडिया फोरम्स. थैंक यू सो मच. ओके, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी जो वेब सीरीज है जो रिलीज हो चुकी है उसके बारे में. बताइए, थ्रिलर, सस्पेंस, ड्रामा सब कुछ है उसमें. और कैसा एक्सपीरियंस था व्हाइल शूटिंग दैट? सी, ये वेब सीरीज गुड ट्रैकर है जो एक लूजली बेस्ड है, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. इसमें थ्रिल भी है, बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज्यादा है इस सीरीज के अंदर. और बहुत इस चीज को करने में बहुत मजा आया क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी लाइफ में प्ले नहीं किया है जो बहुत एरोगेंट है, बहुत ज्यादा बोल्ड है, अय्याश है. और तो ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया था. और मैं कभी इनफैक्ट रियल लाइफ में ऐसा बंदा हूँ नहीं जो कैरेक्टर मैंने उसमें प्ले किया. तो बहुत ज्यादा चैलेंज था मेरे लिए करने के लिए, चैलेंजिंग था और बहुत ही ज्यादा मजा आया उस पर. कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है. लोगों के काफी मैसेजेस आ रहे हैं, काफी लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पे, काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है लोगों का. और सब लोग ये सोच रहे थे कि ऐसे अवतार में हमने कभी आपको देखा नहीं है. और बहुत ही अच्छा लगा देख के और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वेब कंटेंट की बात करें तो बोल्ड कंटेंट होता है वेब में. और जैसे भी आपने बताया कि इस पे वेब आपकी जो सीरीज है, वेब सीरीज है उसमें काफी बोल्ड कंटेंट भी है और अय्याश का एक कैरेक्टर आपने प्ले किया है. तो बिफोर टेकिंग अप दिस कैरेक्टर लगा था कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ? नहीं, मैं सीरियसली मैं बहुत ज्यादा शाय बंदा हूँ. मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल होता हूँ इंटीमेट सीन्स करने के लिए. और जब ये ऑफर आया था मुझे कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. मैंने शिपाली को बात किया, मैंने कहा क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसे कर पाऊंगा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. और बट शिपाली ने ये बोला कि देखो आप एक्टर हो, एक एक्टर को किसी भी तरह के रोल मिले अगर वो कहानी की डिमांड है तो आपको जरूर करना चाहिए, आप ये मत सोचिए. उन्होंने फिर एग्जाम्पल्स दिए बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर जो गे का भी कैरेक्टर प्ले करते हैं. तो इट डजंट मीन कि आप कोई अच्छे कैरेक्टर को छोड़ दो जस्ट बिकॉज इंटीमेट सीन्स है. तो उनके बोलने पे तो मोटिवेट किया मैं फुल चार्ज. जब मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ और जब सेट पे पहुंचा और सेट पे पहुंचने के बाद जब वो सीन शुरू हो रहे थे तो मैं ऐसे काँप रहा था. तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल था. और डायरेक्टर और हमारी जो को एक्टर है उनको बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था बिकॉज मैं आई हैड अ कोल्ड फीट. मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू बिकॉज आई डोंट नो. मैं बहुत ही ज्यादा शाय हूँ. मैं अपने हर चीज को बहुत पर्सनल, ये तो बहुत ज्यादा प्राइवेट थिंग होती है जो मैं बहुत ही मुश्किल था इंपैक्ट करने के लिए. बट किसी तरह मैंने वो खत्म किए. और मैं हमेशा सोचा करता था कि एक्शन जो होता है ना, एक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी एक एक्टर के लिए. लेकिन मुझे उस बार पता चला कि जो इंटीमेट सीन्स करना जो होता है ना वो सबसे 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 ज्यादा मुश्किल होता है. और कन्विक्शन के साथ करना बहुत ही मुश्किल होता है. और मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा, सलाम है उन सब लोगों को जो इतने कन्विक्शन के साथ इंटीमेट सीन्स को कर लेते हैं. और मैं ये बोलूंगा कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जो इतनी आसानी से, इतनी अच्छी तरह से उस कैरेक्टर में ढलते हैं, उस कैरेक्टर को प्ले कर लेते हैं. बट मेरे लिए इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, वेरी अनकम्फर्टेबल. मैं जब खुद सीरीज देख रहा था तो जो सीन्स थे, जो इंटीमेट सीन्स हैं, वो इंटीमेट सीन्स मेरे लिए मैं खुद देख के लग रहा था कि मैं खुद अनकम्फर्ट, बिकॉज आपको लिमिट नहीं पता चलेगा, एक मास्क को नहीं पता चलेगा कि वो कितना अनकम्फर्टेबल. बट मुझे खुद दिख रहा था जहाँ पे मेरे सीन्स आते थे वहां मैं बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता था कि हाँ भाई दिस इज माय जोन एज एन एक्टर परफॉर्म करना. बट जहाँ पे वो सीन्स थे वहां थोड़ा सा मुझे दिखा कि एक झिझक थी और हिचकिचाहट थी. बट ठीक है, शेफाली ने आपको काफी मोटिवेट किया कि ये सीरीज करो, करनी चाहिए आपको, बी एन एक्टर, यू शुड एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ. बट आफ्टर वॉचिंग इट
योर बोल्ड सीन, तब उनका रिएक्शन क्या था? ये वो तो अभी एक साल तक मेरी टांग खींचने वाली है तो बहुत मेरी जब से उन्होंने किया तब से टांग खींच रही है मेरी, वो मस्ती करती रहती है। बट उनको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनको वही था कि पराग आपको इस जो इस सीरीज को कर रहे हो जस्ट फॉर दैट कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर अजय सिंघानिया का कैरेक्टर है, तो जो सीन्स थे बहुत ही अच्छे लगे उनको कि हाँ आपने बहुत डिफरेंट तरीके से प्ले करने की कोशिश की इन सीन्स को, और प्ले भी किया मैंने उनको डिफरेंट तरीके से। बहुत बॉडी लैंग्वेज लाना बहुत जरूरी था इस कैरेक्टर के लिए क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसा हूँ नहीं, मैं कभी एरोगेंट हो ही नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ बनना हूँ, तो वो बॉडी लैंग्वेज लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो उसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ा अपने ऊपर। तो वो तो लकी था कि पहले अपने ऊपर काम करने का मौका मिला। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर जो भी आता है मुझे उसकी हिस्ट्री पूरी मैं लिखता हूँ, उसके वो कैसे पैदा हुआ होगा, पैदा होने से फिर उसकी स्कूलिंग क्या रही होगी, उसके दोस्त कैसे रहे होंगे, उसके माँ बाप कैसे रहे होंगे, उसके लाइफ में क्या क्या चीजें हुई होंगी, तो इस कैरेक्टर की भी मैंने जर्नी पूरी लिखी थी कि वो कैसे कैरेक्टर होगा, तब अपने अंदर हम ढाल सकते हैं उस कैरेक्टर को। तो इसकी भी मैंने कुछ 5-6 पेजेस की, 4-5 पेजेस का एक कैरेक्टर का ग्राफ बनाया था कि वो ऐसे पैदा हुआ होगा, अमीर माँ बाप होंगे जिन्होंने उसको बचपन से बिगाड़ा होगा, लड़कियों की कमी नहीं है उसको, तो लड़कियों की वैल्यू नहीं करता है, उसको लगता है कि हर लड़की को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, फिजिकल हर चीज, तो खेलता है लड़कियों के साथ, तो वो सब अय्याशी है हर चीज है, और ओवर कॉन्फिडेंट है बंदा, वो सब चीजें मैंने लिखी तो इजी हो गया मेरे लिए करना, बॉडी लैंग्वेज मिलाना तो थोड़ा मुश्किल था लेकिन बहुत ही मजा आया। शिपाली को भी अच्छा लगा कि नहीं आपने बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी पकड़ी, मुझे कई लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिया कि पता है तो बॉडी लैंग्वेज आपने पकड़ी है, वो मतलब इनका बिलीव किए आपको परफॉर्म कर रहे हो जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये जो शूट है आपने लॉकडाउन से पहले ही खत्म हो गया था शूटिंग इसकी, या इसके बाद कुछ चंक रह गया था जो आपको शूट करना पड़ा? लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले हमने खत्म किया था इसका शूट, और लॉकडाउन जैसे ही हटा उसमें हमने डबिंग की, तो इमीडिएटली इसलिए रिलीज हो पाया है। ओके, व्हाट ऑल एक्सपेरिमेंट्स यू वांट टू डू विद द कैरेक्टर्स विद द रोल्स? जैसे आपने बोला कि इसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो? देखिए मैं अभी OTT प्लेटफॉर्म पे मैं ऑलरेडी पहले मैंने रात्रि के यात्री आई थी जिसमें हंगामा के लिए थी वो सीरीज, उसको मैंने किया था नन्हे से, एक स्टोरी मेरे ऊपर थी जो मैंने लाइफ में आज तक वो कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था, उसमें बहुत सारी लेयर्स थी, तो वो मैं करके बहुत मजा आया वो किया। उसके बाद मैंने उल्लू पे वुडपैकर किया जो टोटली अलग था, ऑपोजिट है, और अभी मेरी एक सीरीज आ रही है वो भी उल्लू पे ही आने वाली है जो तेलगी स्टैम्प पेपर का केस हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है, स्कैम पेपर नाम है उसका, और उसमें मैं ACP का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो ये सारा का सारा केस सॉल्व करता है, तो वो भी बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है मेरे लिए प्ले करना। और अभी मैं जो चाहूंगा मुझे एक्चुअली क्या मतलब एक बाइपोलर कैरेक्टर होते हैं ना, साइको बाइपोलर, जो दिखने में नहीं लगते हैं कि हाँ वो लगता है नॉर्मल है लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो बाइपोलर वाले सिम्टम्स होते हैं, साइकिक साइको वाले कैरेक्टर्स होते हैं। मैं एक्चुअली वो बहुत ज्यादा मन है मेरा करने का, मैं होप कर रहा हूँ कि कोई ऐसा कोई कैरेक्टर आए क्योंकि वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, बहुत ही ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो उसके अंदर घुसना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है, मुझे वो कैरेक्टर प्ले करने की बहुत ही ज्यादा इच्छा है कि जो अभी तो ऐसा बैठे हैं और सडनली चेंज हो गया फ्लिप। या एंड आल्सो मैं देख रही हूँ आप टीवी पर भी छाए हुए हैं, OTT पे भी छाए हुए हैं, मतलब कितना काम आपका लगातार चलता ही जा रहा है टचवुड। आप टीवी के भी दो शोज कर रहे हैं, शक्ति कर रहे हैं, आप नागिन भी कर रहे हैं, और आप OTT पे भी है, तो ये इतनी सारी शूटिंग कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो भी इस सिचुएशन में जहाँ यू नो इतने प्रिकॉशंस लेके हम लोग को चलना पड़ रहा है, सो व्हाट आर प्रिकॉशंस यू टेकिंग और कैसे मैनेज कर रहे इतने सारे शूट्स? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ भगवान का कि उन्होंने इतना काम, आई एम रियली ग्रेटफुल सबका, ऊपर वाले का कि उन्होंने इतना काम दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम सो के सब चीज़ों को कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ, किसी को कोई परेशानी ना हो, तो और लकीली दोनों शोज कलर्स पे मेरे टॉप की शोज हैं जो मैं कर रहा हूँ, दोनों में मेन नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं 3 साल के बाद मैं एक्चुअली बालाजी में कर रहा हूँ नागिन है, 3 साल हो गए, मेरा लास्ट शो बालाजी के साथ ब्रह्म राक्षस था, और अभी जो वापसी हुई है वो भी नागिन के साथ ही हुई है। अनफॉर्चुनेटली ऑफर होते थे, बोलती थी एकता कैरेक्टर के लिए, बट
कोई ना कोई क्लैश हो जाती थी किसी वजह से, मैं नहीं कर पा रहा था. और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये दिया, बिकॉज आई वो एवरीथिंग टू एकता टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप तो जानते हैं मैं जो भी हूँ आज एकता की वजह से, बालाजी की वजह से. और शूटिंग मैनेज करना अफकोर्स बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रोडक्शन वाले जो है वो सब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप इसमें कोऑर्डिनेट करके मैनेज हो जाती है. और आजकल की सिनेरियो में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम सिर्फ एक लिमिट तक ही शूट कर पाते हैं. पहले क्या होता था, हम नाइट शूट भी कर सकते थे, 24 आवर्स हमारे पास थी, लेकिन अभी 24 आवर्स नहीं है शूट करने के. अभी वो 12-14 घंटे जो है उसी के अंदर हमको पूरा का पूरा शूट है सब खत्म करना है. प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा ली जा रही है, जो भी गाइडलाइंस दी गई है उन गाइडलाइंस के ऊपर ही हम लोग शूट कर रहे हैं. हम जब एंटर करते हैं स्टूडियो के अंदर ही तो पूरा टेम्परेचर चेक होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, हर कोने पे सैनिटाइजर्स हैं, हर 1.5-2 घंटे पे पूरा सेट सैनिटाइज होता है, मेकअप रूम सैनिटाइज करते हैं. तो प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा ली जा रही है, डिस्टेंसिंग रखी जा रही है. हम जो बैठते हैं हम एक्टर सब लोग या रीडिंग करते हैं तो रीडिंग भी हम सब लोग कुछ 6 फीट की दूरी पर बैठ के ही करते हैं. रिहर्सल भी हम कोशिश करते हैं कि दूर रहें और मास्क के साथ करें. तो प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा ली जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है. शुरू में बहुत परेशानी हुई, लेकिन अभी इट्स अ न्यू, ये न्यू नॉर्मल है, तो अभी सब लोग यूज्ड हो चुके हैं. यूज्ड तो हो चुके हैं, बट स्टिल इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कुछ सेट्स पे ऐसा हो रहा है कि केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो एक एक फियर रहता है, एक डर रहता है कि यार घर पे फैमिली भी है, तो उसको लेकर एक डर क्या कुछ आपके मन में भी है कि घर बाहर शूटिंग पे तो निकल रहा हूँ बट घर पे वापस आना, घर पे फैमिली है, घर पे लोग रह रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा टेंशन रहती है हमें हमेशा, बट मेरा एक चीज मानना है, काम हमने शेफाली ने हमारा एक मंत्र है, काम जो होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है, काम भगवान के बराबर होता है. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से आई नो, और मैं तो एक से मानता हूँ ऊपर वाले तो बड़ा कुछ नहीं है, कोरोना भी नहीं है तो जाको राके साइयां मार सके ना, कोई बड़ी वाली बात है. और डर तो बहुत लगा रहता है कि हम घर पे आने के बाद कहीं शेफाली को मेरी वजह से ना हो जाए, इसलिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखते हैं. सेट से आते ही जैसे ही मैं घर से बाहर अंदर एंटर करता हूँ, ना मैं शेफाली को मिलता हूँ, तो सबसे पहला काम होता है शेफाली को हग करना, उसको फोरहेड पे किस करना, वो सब सिम्बा को मिलना. मैं किसी से भी नहीं मिलता हूँ, सीधा अंदर आके शावर लेता हूँ गर्म पानी में, बहुत गर्म गर्म पानी में, जिससे एक शावर लेता हूँ और फिर उसके सारे कपड़े धोने के लिए डालता हूँ. और फिर सबसे पहले स्टीम लेता हूँ मैं, जब भी मैं घर पे होता हूँ कम से कम 3-4 बार मैंने सेट पे भी स्टीमर वो रखा हुआ है इसकी, तो वहाँ पे भी हर 2-3 घंटे में एक बार स्टीम लेता रहता हूँ जो डॉक्टर्स ने वो दिया है, क्योंकि नोज के थ्रू एंड फेस के मुंह के थ्रू माउथ के थ्रू कोरोना के ज्यादा चांसेस हैं. तो बेस्ट तरीका होता है अगर हम रेगुलरली स्टीम लेते रहें, तो अगर वो गया भी होगा तो वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा उससे स्टीम की वजह से. तो ये प्रिकॉशंस डेफिनेटली मैं रख रहा हूँ, और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में. देखो लोग काम पे भी नहीं जाते फिर भी कोरोना हो रहा है जी, तो जिसको होना है वो होगा, लेकिन प्रिकॉशंस रखना हमारे हाथ में है, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं. ये तो बात सही कह रहे हैं. और आपने अभी बोला था कि आपने अपना करियर बालाजी के साथ स्टार्ट किया था, पवित्र रिश्ता से स्टार्ट किया था, और ऑल्सो बिग बॉस भी आने वाला है बहुत जल्द, तो लास्ट सीजन में तो शेफाली को देखा था क्या कभी, पर आपको देख सकते हैं बिग बॉस के? देखिए मैं डेफिनेटली पहले सोचता था कि नहीं, लेकिन जब से शेफाली गई है और पूरा सीजन मैंने फॉलो किया, मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा बिग बॉस जब भी मौका लगेगा मुझे. अभी तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज 200 मेरे ऑलरेडी कलर्स पे ऑन एयर है, तो अगर कोई ऐसी चीज बनी कि जा पाऊँ, मैं डेफिनेटली बिग बॉस करना चाहूंगा. तो बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को करना चाहिए, वो आपकी लाइफ आपको सिखा के भेजेगा, बिकॉज बिग बॉस अपने आप एक छोटी दुनिया है जिसमें हर तरह के लोग हैं. हम रियल लाइफ में जिनको हम पसंद नहीं करते हैं अपने घर पे, हम उसको मिलते नहीं है, उससे बात नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन बिग बॉस का घर ऐसा घर है जहाँ पे आपको जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते हो 24 घंटे उसके साथ बिताने हैं. तो वो आपके पेशेंस लेवल को, आपके कैरेक्टर को वो वहाँ दिखाएगा, तो आपको कई पहलू ऐसे हैं शायद आपकी पर्सनैलिटी के जो आप नहीं जानते वहाँ पे निकल के आएंगे. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं अगर मौका लगा वो सब चीजें इन प्लेस हुई तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा. थैंक यू सो मच, और हम भी देखना चाहेंगे आपको बिग बॉस में. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड फॉर द इंटरव्यू. सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. ऑल एंड प्लीज स्टे सेफ व्हाइल गोइंग फॉर द शूट एंड एवरीथिंग. यू टू टेक केयर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.